दोस्तों आप में से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने ये बात नोटिस करी होगी कि पीएसयू स्टॉक्स पर हम काफी नेगेटिव थे, लेकिन दोस्तों हमारा जो व्यू है वो भाव पर डिपेंडेंट करता है, क्योंकि ऊपरी लेवल पर जब हम सरकारी शेयर से कूद जाएंगे इस बात की आशंका जाहिर कर रहे थे, तब भी हम खुद सरकारी शेयर्स खरीद रहे थे, सरकारी शेयर्स खरीदने की रिकमेंडेशन भी अपने विद्यार्थियों को दे रहे थे। कारण दोस्तों ये है कि सरकारी सेक्टर में अभी भी कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सस्ते दाम पर मिलती हैं। श्रीमान जेफरीज का नोट आया है जिसके अनुसार निफ्टी की तुलना में अगर सरकारी कंपनियों के इंडेक्स की तुलना करें तो अभी भी, जी हाँ अभी भी, उछाल के बावजूद, जबकि पिछले 1-1.5 साल में पीएसयू इंडेक्स लगभग डबल हो गया है, उसके बावजूद पीएसयू इंडेक्स का जो वैल्यूएशन है वो निफ्टी की तुलना में 40% सस्ता है। सरकारी सेक्टर में कई सारी कंपनियां हैं, उनके शेयर्स के दाम चढ़ चुके हैं, वहां वैल्यूएशन ज्यादा है, लेकिन अभी भी सरकारी सेक्टर में कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो सस्ते दाम पर मिलती हैं, जिसके कारण ही श्रीमान जो पीएसयू इंडेक्स है वो 40% डिस्काउंट पर मिल रहा है। इसलिए जो कंपनियां भाग चुकी हैं उनकी चर्चा हम नहीं करते, लेकिन जो कंपनियां अभी भी सस्ते दाम पर मिलती हैं उन पर तो हम रिकमेंडेशन दे रहे हैं ना श्रीमान। एक उदाहरण के लिए पिछले महीने जनवरी में हमने कोल इंडिया की रिकमेंडेशन दी थी, तब से लेकर आज तक उसमें 20% का उछाल आया है। और मजे की बात यह है, कोल इंडिया, एनटीपीसी, एसबीआई, इन सब पर जेफरीज ने भी पॉजिटिव व्यू प्रदर्शित किए हैं कि साहब ये शेयर्स तो चलेंगे। हमारा आपसे आग्रह सिर्फ यह है कि आप ये देखिए कि जहां कोल इंडिया का जो प्राइस टू अर्निंग है वो 10 से भी कम है, डिविडेंड यील्ड 5% की है, मतलब जितना पैसा आप खर्च कर रहे हो शेयर को खरीदने में उसके आधे वैल्यूएशन के बराबर तो आपको डिविडेंड मिलेगा। तो कोल इंडिया को जहां आप 10 का PE दे रहे हो तो उसके मुकाबले मार्केट SJVN को दे रहा है 50-60 का प्राइस टू अर्निंग, मतलब SJVN कोल इंडिया की तुलना में 6 गुना महंगा है। देखिए भाव की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, वैल्यूएशन मैट्रिक्स PE के माध्यम से पता लगता है कौन सा शेयर सस्ता है कौन सा महंगा है। कोल इंडिया, ONGC, ऑयल इंडिया, जिनके प्राइस टू अर्निंग 10 से भी कम है वो लोगों को पसंद नहीं आते। इसके मुकाबले भेल जैसे शेयर जो कि 200-200, 300-300, 1000-1000 के प्राइस टू अर्निंग पर बिक रहे हैं, लोगों ने खरीदने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। तो हमारा निवेदन यह है कि जो शेयर्स महंगे हो चले हैं वहां पर चाहे तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए और फिर शिफ्ट हो जाइए वहां पर जहां वैल्यूएशन कंफर्ट है, डिविडेंड यील्ड है, मतलब अगर किसी ना किसी खबर के चलते ये सरकारी शेयर्स टूटते हैं तो आपको खरीदारी करने का बेहतर मौका मिल जाएगा, डिविडेंड यील्ड अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये जो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से हम हमेशा मार्केट में अपने पैसे में अच्छा माल सस्ते दाम में खरीदने की कोशिश में लगे हुए हैं, वही प्रयास आप लगातार जारी रखिए। रही बात ये जेफरीज वगैरह की पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, वो तो आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर सस्ते वैल्यूएशन पर आप अच्छा माल खरीदेंगे तो प्रॉफिट बनने की संभावना हमेशा ज्यादा रहेगी। जिस तरह हमारे प्रो इन्वेस्टर्स ने कोल इंडिया में मुनाफा कमाया, उसी तरह की रिकमेंडेशन भविष्य में हमसे प्राप्त करने के लिए इसी वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अभी के अभी हमारे चैनल की प्रो इन्वेस्टर मेंबरशिप ले लीजिएगा श्रीमान।